जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप अपने बारकोड को कैसे आप प्रिंट करते हैं। तो बारकोड को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आप बारकोड प्रिंट ऑप्शन पर आप चले जाइए। यहाँ पर आप सिंगल सिंगल कॉपी वाइज भी बारकोड कर सकते हैं और मल्टी आप साइज के भी बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितने हमारे पास प्रोडक्ट हमने एंट्री किया है सबका एक एक बारकोड प्रिंट करना है अगर हमें, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉपी नंबर आप कॉपी यहाँ पे डाल दीजिए, एक एक पीस दो दो पीस जितना भी चाहिए आपको नंबर आप कॉपी बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ऑटोमेटिक वो जो बारकोड है आपका जनरेट हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, तो सबसे ऊपर की साइड में जो दिखा गया है यहाँ पे देखिए कंपनी का मतलब पूरा जो भी प्रोडक्ट है वो आ जाएगा, यहाँ पे साइज आ जाएगा, यहाँ पर प्राइस आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो आ जाएगा, यहाँ पे बारकोड आ जाएगा, बारकोड का नंबर नीचे आ जाएगा और नीचे आप देखेंगे तो कंपनी का नेम आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अलग अलग आपका हो जाएगा, कितना पेजेस हैं लास्ट पे क्लिक कर 23 पेजेस है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये जो माई बिलिंग पैड का जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर है, इजी और आसान तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपनी साइज में आप बारकोड को प्रिंट इजी और आसान तरीके से कर सकते हैं। और इसमें कई सारे हैं, ये देखिए आपका प्रोडक्ट है, रिकार्ड का है, मतलब बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि इसमें चलने में इजी और सरल है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बारकोड को प्रिंट कैसे करेंगे, मतलब जनरेट करेंगे और प्रिंट कैसे करेंगे।